ज एम प्रियल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो जैसा कि आप देख सकते हो कि पीछे कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप है क्योंकि मैं बाहर हूँ ट्रिप पे एंड हाफ आवर मिला है हम लोगों को रेडी होने के लिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मिलके एक बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक क्रिएट किया जाए सो फाइव मिनट्स में हम हो जाएंगे बिल्कुल ही रेडी और ये मेकअप लुक में कोई रॉकेट साइंस नहीं है हर कोई इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकता है इवन जिन लोगों ने कभी भी मेकअप नहीं किया वो लोग भी सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट सो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है स्टेक वॉकी का कलर करेक्टिंग प्राइमर इन द शेड ऑरेंज मामलेट जिसको कि मैंने इस तरीके से अपने फेस पे प्लेस किया और इवनली स्प्रेड आउट कर लिया उसके बाद मैंने यूज किया है शुगर का स्टिक फाउंडेशन इन द शेड ट्वेंटी सेवन जिसको इस तरीके से मैंने अपने फेस पे लगाया और उसके बाद उसके पीछे जो ब्रश अवेलेबल है उससे पहले ब्लेंड किया एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर यूज करके उसे और इवनली ब्लेंड कर लिया देन वी हैव कंसीलर इन द शेड कोकोचिनो जिसको मैंने ऐसे इनवर्टेड ट्राइंगल में अपने अंडर आइज में लगाया और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस तरीके से ब्लेंड कर लिया इवनली अपने बेस को सेट करने के लिए मैंने यूज किया है पर्पल का बी और ओन बी एफ एफ कॉम्पैक्ट पाउडर उसके बाद आई मेकअप के लिए मैंने एन वाई बे का आई लव आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन शेड लेकर अपने ब्राउज को फिल किए और उसके बाद ये लाइट बेज काइंड ऑफ अ शेड लेकर एक ट्रांजिशन शेड क्रिएट किया मेकअप को हैवी ना करते हुए मैंने ये ग्लिटरी डार्क ब्राउन शेड लिया और उसे अपने आईलिट्स पे प्लेस करके इस तरीके से ब्लेंड कर दिया आई मैंने ऑफ कैमरा ही लगा लिया और उसके बाद बारी आती है मस्कारा की यहाँ मैंने पर्पल का मस्कारा लिया और एक्सेस प्रोडक्ट को इस तरीके से वाइप आउट कर लिया ताकि जब मैं इसको लगाऊँ तो मेरे आई क्लटर ना हो जाए एंड नाव इज़ द टाइम फॉर द टफ टास्क सो सबसे पहले हम अपर लेश लाइन में अप्लाई करेंगे जस्ट लाइक आई एम डूइंग इन द वीडियो और उसके बाद लोअर लैश लाइन पर मैं जब भी मस्कारा लगाती हूँ मुझसे हमेशा कोई ना कोई ब्लेंडर ज़रूर होता है और मेरे लोअर लैश लाइन से मेरा बेस ख़राब हमेशा हो जाता है सो प्लीज़ हैव पेशेंस एन अप्लाई इट उसके बाद हम ये कोरल काइंड ऑफ अ शेड लेकर अपने चीक बोन्स पर लगाएंगे एंड द बेस्ट पार्ट की इसमें शिमर भी है तो ये एक हाईलाइटर का भी काम कर रहा है ब्लश के साथ साथ ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट स्टेप की ओर दैट इज द मेबिल मास्टर क्रोम हाईलाइटर यहाँ मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज को हाईलाइट कर रही करी और आप देख सकते हो कि कितना सही ग्लो आ चुका है ऑलरेडी फिर हम चलते हैं अपनी फोरहेड की ओर एंड देन अ लिटिल बिट ऑन द चिन एंड आल्सो ऑन द क्यूपिड्स बो जो कि मैं भूल गई हूँ इस वीडियो में दिखाना फिर हम लगाएंगे शुगर का मिनी लिपस्टिक इन द शेड वुड बाय न्यूड जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का शेड है एंड ये मेरे ऊपर बहुत सूट करता है एंड देन हम पहनेंगे अपना फेवरेट ईयर और अपने बालों को थोड़ा सेट करेंगे एंड वी आर डन फॉर द डे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने वीडियो में यूज़ किए हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको परचेज करना हो तो आप कर सकते हो क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स सुपर सुपर अफोर्डेबल है दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज आई रियली होप की आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड यू गाइज फाउंड इट हेल्पफुल पांच मिनट में हम रेडी हो गए दट टू विद्लॉलेस मेकअप लुक सो इफ यू गाइज लाइक द वीडियो डो नॉट फॉर गेट टू शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यू ट्यूब चैनल एंड अंटिल देन आई एल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन बाय